नॉर्मल बिहेवियर वर्सेस कंसर्न बिहेवियर वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल बिहेवियर वर्सेज कंसर्न बिहेवियर इन रेफरेंस टू चिल्ड्रन वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। नंबर वन वी विल गो टू अंडरस्टैंड इट इन रेफरेंस टू डिवेलपमेंटल डिले और नॉर्मल डिवेलपमेंट जब हम बात कर रहे हैं कि डवेलपमेंटल डिले uh, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा है उसकी जो माइल हैं वो एज अप्रोप्रिएटली अचीव नहीं हुए लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बिहेवियर की तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के जो माइल स्टोन्स हैं वो एज अप्रोप्रिएटली अचीव हो चुके हैं तो जब अचीव uh, हो गए हैं तो उस वक्त तो उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल है और पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन अगर उसके माइल स्टोन्स डिले हैं जैसे बच्चा जो है वो बोलना देर से शुरू हुआ है बच्चे ने वॉक uh, देर से करनी शुरू की है Uh, बच्चा जो है वो सेल्फ़ हेल्प स्किल्स उसके डेवलप नहीं हुए उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो डिलेड uh, है और उसका जितने भी बिहेवियर वो एग्जिबिट कर रहा है वो कंसर्न बिहेवियर्स हैं और उस सिचुएशन में हमें बच्चे की असेसमेंट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है उसको किस किस्म का डेवलपमेंटल uh, प्रॉब्लम है दूसरी डायमेंशन जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो है एबनॉर्मल बिहेवियर्स के वो फोर डीज जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करते हैं अब ये जब मैं ये कह रही हूँ कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी के, के फोर डीज तो वो फोर डीज हैं क्या वो है डेवियंस डिस्ट्रेस डिसफंक्शनल एंड डेंजर जब मैं बात करती हूँ डेवियंस की तो डेवियंस बेसिकली क्या चीज़ है डेवियंस होती है कि जब हम अपने सोशल नॉर्म से डेविएट कर रहे हैं अब सोशल नॉर्म से डेविएशन क्या है आप सबने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा नॉर्मल कर्व का जो नॉर्मल कर्व होती है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है पार्ट एंड फॉर्मर ड्राइंग इस तरह की इसका मतलब ये है कि जो इसकी सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर ज्यादातर मीन लोग जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अब जब मेन लोग यहाँ एग्जिस्ट करे होते हैं यानी एवरेज जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करी होती है वन स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस सॉरी इस तरह और देन टू स्टैंडर्ड डेविएशन देन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सेम इज हेयर टू डेविएशन एंड थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन तो इस साइड पे माइनस है इस साइड पे पॉजिटिव है तो जितने लोग तो मीन से टू स्टैंडर्डाइजिएशन के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे होंगे ये आपके सोशल नॉर्म्स के क्लोज़ हैं ठीक है यानी ये वैसा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं जो मोस्टली लोग एग्जिबिट कर रहे हैं लेकिन जो लोग टू स्टैंडर्डाइजिएशन पे चले जाएंगे इसका मतलब है कि ये वो लोग है जो के हैं जो कि ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं जो मोस्टली लोग जो हैं वो एग्ज़िबिट नहीं करते तो ऐसे लोग जो कि मीन से डेविएट हो जाते हैं वो बिहेवियर जो है उसको हम कहते हैं कि ये डेविएट बिहेवियर है अब आ, मिसाल के तौर पर आम तौर पे लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं अगर एक शख्स है जो अपने बाल नहीं धो रहा अपना मुंह नहीं धो रहा अपने दांत ब्रश नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये बिहेवियर नॉर्मल से डेविएट कर रहा है ठीक है इसी तरह अगर चार लोग बैठे हुए हैं और उनको सिर्फ वही लोग नज़र आ रहे हैं कमरे में जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन एक शख्स कहता है कि उसे कोई और शक्ल नज़र आ रही है तो दैट्स मीन कि वो शख्स जो है वो डैवियन बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि बाकी सबको वो शक्ल नज़र नहीं आ रही जिसको हम विजुअल हलूसिनेशनस कहते हैं तो जो डेवियंस है दैट एक्सप्रेस के जो इंसान है या जो कोई बच्चा है या कोई इंडिविजुअल है वो आपका नॉर्मल बिहेवियर एग्जिबिट नहीं कर रहा। इसी तरह डिस्ट्रेस अब डिस्ट्रेस बेसिकली क्या चीज़ है हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेसेस आते रहते हैं अगर तो एक शख्स उस स्ट्रेस को प्रॉपरली कोप कर लेता है और उससे आगे मूव कर जाता है लाइफ में देन इट्स फाइन लेकिन अगर वो उससे मूव नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली वो जो डिस्ट्रेस है वो उसके लिए फंक्शनिंग uh, लेवल को इफेक्ट करना शुरू कर देगा ठीक है फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली में डेथ हुई है और एक uh, जो ब्रीवमेंट का टाइम है वो गुजर रहा है जो नॉर्मली सब लोग गुजरते हैं उसमें से लेकिन आफ्टर मूविंग फ्रॉम मंथ्स वो शख्स उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा तो दैट्स मीन कि दैट डिस्ट्रेस इज बेसिकली एबनॉर्मल देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्फनालिटी डिसफंक्शनालिटी बेसिकली क्या है कि एक शख्स जो है वो अपनी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग ना कर सके अपनी सोशल लाइफ को मूव ना कर सके अपनी पर्सनल लाइफ मूव ना कर सके तो दैट इज़ कॉल्ड एस डिसफंक्शनल यानी एक शख्स को इतनी लथार्जी है या उसकी एनर्जी लेवल इतना लो उसको फील होता है कि वो बेड से उठ नहीं सकता वो ऑफिस जा नहीं सकता वो उसका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता और वो कोशिश ये करता है कि वो किसी से सोशली मिले भी ना तो इस किस्म का जो बिहेवियर है जो उसको डिसफंक्शनल कर रहा है फॉर कैरिंग आउट वेरियस टास्क तो ये बिहेवियर जो है इसको भी हम एबनॉर्मल बिहेवियर में uh, का मार्कर समझते हैं या हम ये समझते हैं कि इस किस्म के लोग जो ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं उनमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी जो है वो मौजूद होती है देन द डेंजर वट इज डेंजर आई एम सेइंग दैट एबनॉर्मल बिहेवियर Uh, जो है uh, वो डेंजरस भी हो सकता है और कोई भी बिहेवियर जो कि डेंजरस हो वह एबनॉर्मल भी हो सकता है तो इट डज़ नॉट मीन कि हर वो शख्स जो कि डेंजरस बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है वो एबनॉर्मल है ठीक है और ना ही इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स जो एबनॉर्मल डेंजरस बिहेवियर एग्जिबिट कर चुका है वो एबनॉर्मल है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि बाज़ात uh, ऐसे हलूसिनेशनस या डिलूजनस आ, लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो होमिसाइड या सुसाइड जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या ख़ुद को इंजर्ड कर सकते हैं तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ लोग करते हैं वो आ, जो है प्रेडिक्ट करता है एबनॉमेलिटी को और उसकी बेसिस के ऊपर हम किसी बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं या उसके अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं सो so, इफ़ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट इज द नॉर्मल बिहेवियर एंड द कंसर्न बिहेवियर तो हमें ये फोर डेज जो है इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है डेवियंस मीन कि आप सोशल नॉर्म से हट के परफॉर्म कर रहे हो डिस्ट्रेस मीन कि जो स्ट्रेस लेवल आया है उसको आप प्रॉपरली कॉप नहीं कर पा रहे देन डिसफंक्शनल मीन के सोशली ऑक्यूपेशनली आप डिसफंक्शनल हो गए हो यू आर नॉट गोइंग आउट एंड यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग दैन द रेंजर के जो बिहेवियर है ऐसा एग्जिबिट हो रहा है जिसकी वजह से अपनी जान को या दूसरों की जान को खतरा हो सकता है तो दीज आर ऑल दोज थिंग्स विच आर नोन एज कंसर्न बिहेवियर्स और द अबनॉर्मल बिहेवियर्स थैंक यू